News 18, India. बिहार की सियासत में जैसे भूचाल आ गया है, आरजेडी और जेडीयू में रिश्ते अब सामान्य बिल्कुल नहीं है। आज पटना में कैबिनेट की बैठक में गुस्से में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए। कैबिनेट की बैठक में नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच दूरियां देखने को मिली, जहां उन्होंने एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की। साथ ही खबर तो ये भी है कि जो मंत्री कैबिनेट की बैठक में थे उनके होश उड़े हुए थे। बताया गया कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर तो ये भी है कि कैबिनेट बैठक में एक अधिकारी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक तक हो गई, मतलब ये नौबत आ चुकी है बिहार में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दूरियां साफ नजर आई। कल जो नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पर लालू की बेटी ट्वीट करती है और अब ये दूरियां साफ नजर आ रही है। अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ बड़ा बिहार में होना है, ये इसके संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, बहुत बड़ी बातें हुई आज कैबिनेट की बैठक के जरिए ही जो संकेत मिला, जहाँ पे अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने उस बैठक में तेजस्वी से बात नहीं की और उसके कुछ ही देर बाद एक और डेवलपमेंट हुआ। जो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने 15 मिनट तक किसी से फोन पे बातचीत की है। अभी तक पता चल पाया है क्या कि वो फोन गया कहां था, कहीं दिल्ली तो नहीं? बिल्कुल, देखिए जो आज बातें हुई है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन में जो दरार था वो खाई का रूप ले लिया है और कैबिनेट में जो देखने को मिला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक खासम खास अधिकारी के बीच जिसमें तीखी बहस हुई है, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की दूरियां किस कदर बढ़ चुकी हैं। और साथ ही जब कैबिनेट में बैठक हुई थी उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बातें नहीं हुई, फिर वहां से निकलने के बाद सभी जो मंत्री कैबिनेट के अंदर मौजूद थे वो सभी हतप्रभ थे और बाहर निकलने के बाद सभी के चेहरे उड़े हुए थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार के परिदृश्य में अब कोई बदलाव होने की ओर ये बढ़ चला है। शायद यही वजह है कि अभी जो खबरें निकलकर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ बड़ा फैसला और उसके बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो कम होते हुए नहीं दिख रही है और आज जो कैबिनेट में देखने को मिला इसको ये और बल दे रहा है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, किसी से 15 मिनट तक उन्होंने फोन पर बात की है, वो कौन शख्स था ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और नीतीश कुमार अगर किसी से बात भी करते हैं, ठीक है, ये रास्ते तैयार हो रहे हैं और नीतीश कुमार को भी एक एग्जिट प्लान चाहिए, हालांकि शर्तों के साथ बातचीत हो रही है। ये और बात है कि बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, ये और बात है कि जेडीयू की तरफ से भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार भी अपनी नाराजगी दिखा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने वो ट्वीट डिलीट कर दिए हैं जिसे लेकर बवाल मचा, जिसके बाद नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए। रोहिणी आचार्य ने ऐसे वक्त में ये ट्वीट किए थे जब नीतीश कुमार के परिवारवाद पर हमला करने के बाद उनके बयान को लालू परिवार से जोड़कर देखा जा रहा था और अब ये ट्वीट डिलीट किए गए हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लगातार। चंद्रमोहन, जो रोहिणी ने ये ट्वीट डिलीट किया उनको मालूम था कि इस ट्वीट का असर क्या होगा, लेकिन फिर अचानक से ये परिवर्तन क्यों? बिल्कुल, देखिए शायद लालू परिवार को या रोहिणी आचार्य को यह लगा होगा कि नीतीश कुमार जिस ओर अभी बढ़ रहे हैं कहीं वो आज ही ना हो जाए, शायद यही वजह है कि उसके ऊपर दबाव पड़ा होगा और उसके बाद यह ट्वीट डिलीट किया गया है, क्योंकि जो ट्वीट में लिखा गया था वो कहीं से भी नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था और वो ट्वीट नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी हैं उनको ले जाकर दिखाए कि देखिए ये लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने आपके बयान के बाद जो नीतीश कुमार कल एक सभा में कहे थे, जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था साफ तौर पर यह कहा था कि परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार ने यह कहा कि लोग अपने परिवार के लोगों को बढ़ाते हैं और उसमें सीधे तौर पर उनका निशाना चाहे वो आरजेडी परिवार हो, अखिलेश का परिवार हो या फिर गांधी परिवार हो, उनके ऊपर था। तो ऐसे में इसको लेकर धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गुजरता हुआ हर घंटा बहुत कुछ बयां कर रहा है चंद्रमोहन, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। तो बकायदा एक प्रिंटआउट निकाला अधिकारियों ने और ले जाकर नीतीश कुमार को दिखाया गया कि आपके बारे में ये सारी बातें की जा रही है। बिल्कुल, हो सकता है आरजेडी को यह भी लगा हो कि कोई गुंजाइश बची है। तो बिहार में क्या चल रहा है ये हम बता रहे हैं, लेकिन